दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया एंड रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, लेकिन फिर भी क्यों आज रशिया ब्रह्मोस मिसाइल को यूज नहीं करता। आज ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर को 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इस वॉर के दौरान रशिया ने अपने मिसाइल आर्सेनल लगभग खाली कर दिए हैं, लेकिन फिर भी रशिया ब्रह्मोस को एक्वायर क्यों नहीं कर रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 2.8 से मैक 3 की स्पीड पर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ओरिजिनली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी, लेकिन न्यू वर्जन ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज, इसकी रेंज अबाउट 600 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सरफेस से सिर्फ 10 मीटर्स हाई फ्लाई करते हुए अपने टारगेट को हिट कर सकता है और टारगेट को हिट करने के पहले एस मैन्यूवर करता है, जो एडवांस से भी एडवांस डिफेंस सिस्टम को फेल करने की काबिलियत रखता है। ओरिजिनली ब्रह्मोस रशियन मेड याकोंट एंड P-800 ऑनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है और ये दोनों ही मिसाइल आज रशिया के आर्सेनल में अच्छी क्वांटिटी में है। साथ ही जिरकॉन क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज और मैक 8 की स्पीड के साथ ब्रह्मोस से भी ज्यादा एडवांस है।